ये बता दो बड़ा बेटा या दरमियाना उससे छोटा फिर है आमना और उस्मान, यानी फिर दो ट्विन्स आ गए मेरे दो बड़े बेटों के बाद दो माशाल्लाह से ट्विन बेटी। ये मैंने जान के लिखा है, ये मैंने मामा को कैसे भाइयों का सवाल साजिद मामू और कैसे मामू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशोखुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी वेलकम करती हूँ आपको एक बार फिर निसार कुज़ीन एंड व्लॉग में। थैंक यू सो मच आपके आने का और आपके मेरी वीडियोस देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब। दुआ गो हूँ आप सबकी कामयाबियों के लिए, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और ढेरों ढेरों कामयाबियां अता फरमाए, दीन और दुनिया दोनों की खैर उम्र रखे, कोविड वगैरह से आपको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अपने प्यारे आज आपको बैठी हुई आराम से बिल्कुल कुशन रख के आराम से मेरी बेटी ने मुझे बिठा दिया है, आपको नजर आ रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट वे में, कोई किचन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स बैठी हूँ। लेकिन एक बड़ा टफ एग्जाम मेरा होने वाला है अभी, जो कि मेरी बेटी ने दिस और दैट का चैलेंज मेरे लिए आज रख लिया। और क्या क्वेश्चन उसने मेरे लिए रखे हुए हैं ये बिल्कुल बिलीव में, मैंने हल्फिया कहती हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो लिख रही थी अपनी डायरी में और बिल्कुल भी मुझे देखने नहीं दे रही थी है ना अपना ये सच है ना, वो देखें गवाया बिल्कुल। तो कैमरे के पीछे बिहाइंड द कैमरा जो है ना, वो मुझे अब क्या करने वाली है मेरे साथ, ये तो आपको पता चलेगा अभी नेक्स्ट, अभी जो स्टार्ट करने वाले हम चैलेंज तो जरूर देखिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं, तो हमारा दिस और दैट का चैलेंज स्टार्ट होने लगा है माँ बेटी का। तो चलिए जी अब ना पूछिए, आपने क्या पूछना है मेरे से? फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे यूके और पाकिस्तान। अच्छा यूके, तो नेक्स्ट है पाकिस्तानी क्लोज और वेस्टर्न? पाकिस्तानी क्लोज। वो क्यों? वो इसलिए कि सब कुछ सोच रहे होंगे कि कंट्री यूके का और पाकिस्तानी क्लोथ्स का। ऑफ कोर्स हम यूके इसीलिए बेस्ट, मैं कह रही हूँ कि यहाँ और बहुत सारी चीजों के अलावा जो है ना अपने कपड़े हम आराम से पहन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरयानी और पुलाव, ये टफ क्वेश्चन है। ये टफ है लेकिन नहीं मेरा ख्याल में, मुझे लगता है पुलाव। पुलाव बिरयानी आपकी फेवरेट, लेकिन पुलाव मटन और चिकन? मटन। मटन हॉट फूड और कोल्ड फूड? कोल्ड फूड। कोल्ड। नेक्स्ट है इमरान खान और नवाज शरीफ? ऑफ कोर्स इमरान खान। वो भी बता दें रीजन। रीजन इज दैट के सेंसिबल और हार्ड वर्किंग। और हार्ड वर्किंग, हाँ आपने नहीं बताना मैंने बताना है। हार्ड वर्किंग लोग, इसलिए आपना मेरी बेटी इसलिए कह रही है हार्ड वर्किंग के, इन्हें पता है मेरे बच्चे हमेशा मैं हार्ड वर्किंग सेल्फ मेड लोगों की बेहद रिस्पेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेवलिंग इन अ प्लेन और ट्रेन? प्लेन। प्लेन मुझे पता था क्योंकि मामा को प्लेन का जूस भी बहुत पसंद है, खाना भी बहुत पसंद है और जर्नी बेहद पसंद है। एक पता है क्यों पसंद है? रीजन आपने नहीं पूछा, मैं आपको बता रही हूँ। रीजन इज दिस कि एक वही जगह होती है जहाँ मामा बिल्कुल रिलैक्स होती है, उन्हें पता होता है। अच्छा ये टोटल 30 क्वेश्चन है, मतलब अभी हम फिफ्थ और सिक्स्थ पे आते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। अच्छा बोर तो नहीं होंगे, होपफुली आप नहीं होंगे। और नेचर और सिटी लाइफ? सिटी लाइफ क्योंकि खामोशी से दिल घबराता है मेरा। लेकिन नेचर तो आपको पसंद है? नेचर ऑफकोर्स बहुत पसंद है, आपको पता ही सबको मुझे नेचर बेहद। फ्लावर्स आप बिल्कुल, फ्लावर्स ये देखिए अभी अगर बैक पे मेरी नजर आ रही हो तो फ्लावर्स मेरी कमजोरी है, लेकिन हाँ रहने के लिहाज से। हाइकिंग और स्विमिंग? टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों ही नहीं, लेकिन अगर मुझे चूज करना पड़े तो हाइकिंग, नेवर स्विमिंग। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर मुझे पता है, लेकिन ये देखा मेरी बेटी को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो मैंने अभी नहीं भी आंसर दिए थे, पता है मामा ने क्या आंसर देना है? लंदन और इस्लामाबाद। लंदन ये टफ लेकिन आपको इस्लामाबाद भी कल आप बता रही थी। बिल्कुल एक ड्रामे में मैं देख के कभी भी कह रही थी कि माय सिटी इज ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स अपना शहर तो अपना, लेकिन कुछ और रीजन है जो नहीं बता सके। अब मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन है,
बड़ी बहू आपकी या छोटी? इसमें मैं कह सकती हूँ नो कमेंट्स? नहीं नहीं, इसमें नो कमेंट्स क्यों, दोनों ही माशाल्लाह, दोनों ही अच्छी हैं। मेकअप और नो मेकअप? मेकअप मेकअप बना ही औरतों के लिए। अच्छा, हैवी या नेचुरल? मेकअप मेकअप हैवी, वेरी नेचुरल। अच्छा, नेक्स्ट है हील्स और सैंडल्स? हील्स, मुझे पता था। ओके, फिर है किसी दिन आपसे शेयर करूंगी अपनी कलेक्शन, हील और एक हील। ये बता दो, बड़ा बेटा या दरमियाना? हाँ, उससे छोटा है। दोनों बेटियां देख रहे हैं। अब ये देखो ना, अब जैसे मैं बहुओं के लिए नहीं कह सकी, एक माँ से अगर ये सवाल पूछा जाएगा, हर माँ कहेगी नहीं मेरे से ये ना पूछो, सारे बच्चे बराबर हैं। लेकिन नकील जो है ना, सारे कहते हैं कि मेरे ज्यादा करीब है। खाना ये बाहर का खाना? मैं पहले, मुझे होटलिंग बहुत पसंद थी एक वक्त था, लेकिन अब जब बहुत सारे हालात ऐसे देखती थी तो घर का खाना काफी अरसे से मुझे अच्छा नहीं लगता। चाट और गोलगप्पे? चाट, गोलगप्पे खाना टफ काम है, लेकिन गोलगप्पे तो बहुत मजे के होते हैं। मैकडोनल्ड्स का फिश बर्गर या फिर पाकिस्तान में अंडे वाला बर्गर? अब ये भी टफ चॉइस है। फिश बर्गर, फिश हर हाल में मुझे बहुत पसंद है। और अगर मैं होती तो कहती अंडे वाला। हाँ बिल्कुल, अंडे वाला बर्गर भी हमारा देसी बर्गर बहुत ही अच्छा होता है व्यूअर्स, और होपफुली आपको भी अच्छा। अब हम हैं किस क्वेश्चन, अच्छा फिर है आमना और उस्मान, यानी फिर दो ट्विंस आ गए मेरे, दो बड़े बेटों के पास दो माशाल्लाह से ट्विंस हैं, बेटा और बेटी। ये मैंने जान के लिखे है, ये मैंने मामा को टेस्ट करने के लिए लिखे है। आप टेस्ट करें, मैं क्या कह रही हूँ, दोनों ही मेरी जान है, दोनों एक ही टाइम पे सेम टाइम पे मेरी लाइफ में आए थे। अच्छा, अब है जिधर मैं पैदा हुई थी, मेरी बर्थ प्लेस रियो डी जनेरो और लंदन? बीचेस? हाँ बीचेस बहुत प्यारी है, रियो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब एक इंसिडेंट हुआ उसके बाद से मानता, और कोई ऐसी वजह नहीं है कि इंसिडेंट ये हुआ था कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। चले आपको सैड नहीं करती। नेक्स्ट ग्रीन टी। ग्रीन टी का ये है कि पहले मैं बहुत ज्यादा मैं सिर्फ चाय पीती थी, कॉफी पीती थी, चाय पीती थी, ग्रीन टी को हाथ भी नहीं लगाती थी, लेकिन मेरा एक आदत है, एक चीज के पीछे पड़ती हूँ तो पड़ जाती। एक वक्त हुआ कि अब चाय सिर्फ एक दफा पीती हूँ। चिकन और मटन? मटन। अब मामा के भाइयों का सवाल, साजिद मामू और कैसर मामू? कैसर अल्लाह उसे जन्म नसीब करे, पिछले साल मेरे भाई का जो इंतकाल हुआ है बहुत करीब था, हम दोनों एक दूसरे के बहुत, मतलब हमारी केमिस्ट्री बहुत मिलती थी। लाडले भी? लाडले तो पूरे घर का था, ऑफकोर्स मेरा पूरी। ओके, वर्क फ्रॉम होम और गोइंग टू ऑफिस? आजकल तो आजकल के हालात में तो, लेकिन वैसे भी घर बैठ के ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए फील, जो हमारा काम है जाहिर घर से ही होता है, अगर और कोई काम हो, टीचिंग वगैरह हो तो ऑफकोर्स। स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ? स्कूल लाइफ में ये था कि बिल्कुल ही हम बच्चे हो जाते थे ना, कि कॉलेज उसके बाद घर आके कोई काम नहीं करना, ये नहीं करना। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉलेज लाइफ में भी घर का कोई काम नहीं किया था कभी। लाइफ बिफोर मैरिज और आफ्टर? बिफोर। वो क्यों? वही होता है ना कि हमारे भी नाज नखरे उठाने वाले हमारे पेरेंट्स होते हैं, बाद में तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो बस चला जाए बंदा। अच्छा, नाना अबू और नानी अम्मा? यानी मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा दोनों का पूछ रही है ना, दोनों में से ऑफ कोर्स बेटियां ज्यादा मेरे ख्याल में, जो मेरे मैं ज्यादा क्लोज थी अपने मदर के ज्यादा, वो जैसे होता है ना कि मैं भी, हाँ जैसे मेरी बेटी मेरे क्लोज है बहुत ज्यादा, इसका ये मतलब नहीं होता फादर से अब प्यार ही करते, बिल्कुल प्यार तो वही है मेरे पास, हम भी तो हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट फूड? रेस्टोरेंट फूड, स्ट्रीट फूड से मुझे बहुत डर लगता है, बाजूकात होता है ना कि हाइजीन प्रॉब्लम या कुछ भी, बिल्कुल लोग वो शौक से खाते हैं। अब हमारे पास है लास्ट थ्री क्वेश्चंस, तो पहले है फालूदा और आइसक्रीम? फालूदा। अच्छा, उसमें भी आइसक्रीम होती है कुल्फा फालूदा। आपकी बेस्ट फ्रेंड में से शाहीन आंटी और दादा आंटी?
बहुत अच्छी और बता देना कौन है। हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड्स बहुत करीब, इसके अलावा मतलब बिल्कुल साथ जुड़े हुए हमारे घर थे ना, तो वो तो मतलब बहनों की तरह बिल्कुल मेरे दोस्तों, अच्छे दोस्त बहुत किस्मत से मिलते हैं, मैं लकी हूँ बहुत कम, मैं सिर्फ दो दोस्त हैं मेरी करीब है जो मेरी को बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। अब लास्ट क्वेश्चन है मामा से, इंडिपेंडेंट लाइफ और डिपेंडेंट लाइफ? इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स, इस पे मैं चाहती हूँ आप बोलें। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट, लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंट लाइफ ये एक गेम से हटके भी है और ये सीरियस टॉपिक की तरफ आता है, खास तौर पे लेडीज लड़कियों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, मेरी एज की औरतों के लिए, हर किस्म की एज ग्रुप के ख्वातीन के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बेटी ने मेरे से ये सीख लिया है कि एक औरत का इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है इतना। देखिए क्यों हम कहते हैं कि एक माँ का पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है, देखिए वक्त और हालात का कुछ पता नहीं होता, आपके हस्बैंड ने, किसी के भी हस्बैंड ने उसको बहुत ही अच्छे हालात में रखा हो, उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ही अच्छे शहजादियों की तरह रखा हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन अल्लाह के कामों का कुछ यानी कि मेरे अपने साथ जब ये हादसा हुआ, जब मैं सिंगल हो गई तो मुझे पता चला कि मैंने तो ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए किया हुआ है, लेकिन उसके साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि इंडिपेंडेंट तब आप मुकम्मल तौर पर हो सकेंगे जब ऐसी डिग्री लड़की के लिए कोई भी जिसमें कोई टेक्निकल भी हो, जिस तरह होता है ना कि आगे जाके क्या बीए में हम टीचिंग कर लेते क्या कर लेते ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर आपने लड़कियों को अच्छा कुछ और भी लड़कियों ने तालीम हासिल की होगी तो वो इंडिपेंडेंट होंगी, वो किसी पे बोझ नहीं बन सकेंगी, वो उल्टा किसी को देने के काबिल होंगी, तो इंडिपेंडेंट लड़की के लिए होना बहुत ज़रूरी, इसलिए कहते हैं कि लड़की का लड़कों का भी बेशक पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन तो सबके लिए मस्ट है, हमारे दीन ने भी यही कहा है कि मर्द औरत दोनों ही इल्म हासिल करें, लेकिन एक लड़की एक पढ़ी लिखी माँ जो एक जनरेशन बनाती है, लड़कियों को तालीम जरूर होना चाहिए और जरूर इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, उम्मीद है आपको ये चीज़ें मेरी आज की छोटी छोटी जो बातें हैं ये तो ऐसे ही गेम है बस, दिल के तो करीब सारे ही होते हैं, बच्चा कौन सा नहीं अच्छा लगता, बहू कौन सी नहीं अच्छी लगेगी, आपको बेटे अच्छे लगे तो बहू क्यों नहीं अच्छी लगेगी, बेटियों का भी इसी तरह, तो बस एक मेरी बेटी की ख्वाहिश थी तो उस पर मैंने उसको कह चलो ये भी कर लेते हैं, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।